नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2012-13 में यूपीए सरकार के वक्त डबल डेकर ट्रेन, जिसका कि पुराना वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारे इंदौर भोपाल और रानी कमलापति इंदौर के बीच में चलाई गई थी। दो फेरे यह गाड़ी लेती थी। उस वक्त इसको अच्छा रिस्पांस क्षेत्र की जनता का नहीं मिला था, इस वजह से यह गाड़ी बंद कर दी गई। पश्चिम मध्य रेलवे को आवंटित किया गया रेक, कोंकण रेलवे मध्य रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया गया और तब वहां पर वह गाड़ी चलाई गई। लेकिन अभी फिर से क्षेत्र में अटकलें उठ रही हैं कि वंदे मेट्रो यानी कि रैपिड रेल भोपाल से इंदौर के मध्य चलाई जाए, क्योंकि यह जो डबल डेकर गाड़ी है इसका स्लॉट खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में पश्चिम मध्य रेलवे इसके बाबत फिजिबिलिटी सर्वे करवा रहा है, ऐसी जानकारियां मीडिया में चल रही है। तो यह रूट भी काफ़ी महत्वपूर्ण मांग वाला रूट है और ऐसे में यहां पर यदि यह गाड़ी चलती है तो भविष्य में इसको सक्सेस मिलने की काफ़ी अच्छी संभावनाएँ नज़र आ रही है। हालाँकि जो हमारा पुराना डबल डेकर के समय रिस्पॉन्स ना मिलने का एक कारण यह था कि वोल्वो बसें उस समय ट्रेन से कम समय में सफ़र करा रही थी और ऐसा आज की तुलना में भी हो रहा है, परंतु ट्रेनों को भी पर्याप्त यात्री भार मिल रहा है, यह हम देख सकते हैं। सीमित संख्या में इंदौर से भोपाल के बीच में दिन के समय गाड़ियां चल रही हैं और सभी गाड़ियां पेकम पेक चलती हैं। ऐसे में मामूली अधिक किराए पर यात्री को वातानुकूलित श्रेणी में सफ़र करने का मौका मिल जाए तो काफ़ी अच्छा यह उनके लिए हो सकता है। प्रारंभिक तौर पर यदि यह ट्रेन हमारे इंदौर से रानी कमलापति तक चलाई जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसको मिल सकता है और इसका एक फेरा यदि उज्जैन होकर रख दिया जाए तो उसमें भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यात्रियों का और श्रद्धालुओं का हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इसका जो प्रारंभिक किराया हमारे हिसाब से नज़र आ सकता है वह डॉक्टर अंबेडकर नगर से यदि इसको संचालित किया जाता है तो उस स्थिति में करीब 245 किलोमीटर इसकी दूरी होती है और किराया 350 रुपये के आसपास हो सकता है। वहीं इंदौर से इसका किराया 315 रुपये के आसपास, देवास से 275 रुपये के आसपास, मक्सी से 210 रुपये के आसपास, शुजालपुर से करीब 130 रुपये के आसपास, सीहोर से 70 रुपये के आसपास इसका किराया रानी कमलापति तक का बैठ सकता है। वहीं उज्जैन की बात करें करीब 260 रुपये और करीब 1.43 रुपये प्रति किलोमीटर यह अन्य स्टेशनों से पड़ेगा। आप गुणा भाग करके अंदाजा विभिन्न स्टेशनों के किराए का लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यदि रेलवे पिछली जो गलतियां उनकी थी कि समय सारणी डबल डेकर एक्सप्रेस की बहुत ढीली बनाई गई थी, केवल एक फेरा जो हमारा हबीबगंज रानी कमलापति से सुबह के वक्त चलता था वह 3.5 घंटे लेता था, इसके अलावा बाकी टाइम स्लॉट में 4-4 घंटे के आसपास इसका समय हो जाता था। तो उस पर एक इनको मंथन करना चाहिए, समय करीब 3.5 घंटे के आसपास होना चाहिए, यह आराम से कवर हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर सेक्शन में जो बैरिकेटिंग हो चुकी है यानी कि जो बाड़ लगा दी गई है पशुओं को ट्रैक पर आने से रोकने के लिए, और ट्रैक की गति भी बढ़ चुकी है तो स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है, और फालतू के स्टाफ इसके नहीं होना चाहिए, केवल मुख्य स्टाफ होना चाहिए, जैसे कि देवास हो गया, हमारा मक्सी हो गया, बेरछा को आप इग्नोर कर सकते हैं, और शुजालपुर हो गया, सीहोर हो गया, संत हिरदाराम नगर हो गया, इनके अलावा बाकी स्टॉपेजों पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां से पर्याप्त ट्रैफिक मिलने की संभावना कम है। तो इसके बारे में रेलवे विभाग को अब मंथन करना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी भविष्य की दृष्टि में साबित हो सकती है। तो इसका जो फिजिबिलिटी सर्वे पश्चिम मध्य रेलवे करेगा उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में निकल कर आए, यह हम सभी चाहते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विभिन्न ट्रेनों में पैर भी रखने की जगह नहीं मिलती है, यात्री ट्रेनों के गेट पर लटक कर सफ़र करते हैं। ऐसे में यदि यह डेडिकेटेड ट्रेन हमारे भोपाल, उज्जैन, इंदौर के दरमियान चलाई जाएगी तो निश्चित तौर पर यात्रियों को आवागमन हेतु काफ़ी सहूलियत भविष्य की दृष्टि में प्राप्त होगी। इसी की जानकारी देने के लिए यह छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है, आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। यह जानकारी अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।